दोस्तों शॉर्ट टर्म का लाभ आपका लॉन्ग टर्म का दर्द या पेन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब बताने वाला हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में। दोस्तों जब हम सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करने में विफल हो जाते हैं तो हम दो कानून का शिकार हो जाते हैं। पहले को हम अनपेक्षित परिणामों का नियम कहते हैं। यह कानून कहता है कि जब हम लॉन्ग टर्म सोच नहीं सकते या इस कमी के कारण जो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो वह हमें अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं दे सकते, बल्कि उससे खराब रिजल्ट हमको मिलते हैं। वही बात करें दूसरे नियम की तो उसे हम विकृत परिणामों का नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि तत्काल संतुष्टि के लिए किया गया शॉर्ट काम हमारी इच्छा के विपरीत रिजल्ट दे सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हम अपने रिजल्ट के रूप में बेहतर और खुश होने की इच्छा और इरादे से हम टाइम, मनी या भावना का इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह इन्वेस्ट हम बिना सोचे समझे करें तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा? हमारा रिजल्ट अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन 99% चांस होता है कि यह रिजल्ट खराब ही आएगा, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचा और बिना सोचे समझे हमने इन्वेस्ट किया। यह बात प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होती है और शायद एक से अधिक बार। इसलिए हमें जो भी काम करना हो वो सोच समझ कर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।